हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। यार थोड़ा मैं रॉक का स्टाइल मानने वाला था कि फाइनली, लेकिन फिर सोचा नहीं। तो यार आज हम लोग बात करेंगे जोजी, जो कि एक मलयालम मूवी है। ये अमेजोन प्राइम पर रिलीज हुई है। मूवी की ओवरऑल लेंथ 1 घंटे 53 मिनट की, और ये आपको हिंदी में देखने को नहीं मिलती है, लेकिन आप लोग इंग्लिश सबटाइटल्स के थ्रू इजीली देख सकते हो। कहानी फोकस करती है जोजी, जो कि एक अनएम्प्लॉयड इंजीनियरिंग ड्रॉप आउट है। इनके फादर एक रिच प्लांटेशन ओनर है। जोजी के दो और भाई भी है, जो कि अपने फादर के साथ उनके बिजनेस में हेल्प करते हैं। खैर कटप्पन यानी कि जोजी के फादर जोजी को सेकंड पीस बुलाते हैं। अब देखो यार, एक एक चीज़ माइंड में रखने का कि यार कहानी में चल क्या रहा है और कौन किसको किस नाम से पुकार रहा है, क्योंकि इन सारी चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है जब आप लोग मूवी देखोगे। यार मैं कौन तो बताने वाला। कहानी में ट्विस्ट तो आता है जब कटप्पन को स्ट्रोक हो जाता है, फिर उसके बाद क्या कुछ होता है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। खैर अब बात करेंगे इस मूवी के कॉन्सेप्ट की, जो कि डार्क कॉमेडी प्लस क्राइम का एक परफेक्ट मिक्सचर देखने को मिलेगा। और पूरी इस मूवी के दौरान आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन चलेंगे, जैसे कि जोजी ऐसा क्यों है, जोजी पैदाइशी ही ऐसा है, या सोसाइटी के लोगों ने, या उसके फादर के उस बिहेवियर की वजह से जोजी ऐसा बना, या हर एक इंसान के अंदर एक जोजी है लेकिन किसी का बाहर आ जाता है, किसी का बाहर नहीं आता, और किसी का अगर बाहर आता है तो वो उस लेवल तक चले जाता है जहाँ पर हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो यानी कि ये बहुत सारे सवाल है जो आपके माइंड में, यानी कि आप में से बहुत सारे लोगों के माइंड में चल सकता है इस पूरी मूवी के दौरान, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, बहुत कुछ अपने आप में समझाने की कोशिश भी करता है। उसके अलावा मूवी में अगर कैरेक्टर्स की बात करेंगे तो देर आर 5-4 कैरेक्टर्स विच हैव रिटन वेरी वेल, मतलब इतनी अच्छी तरह से लिखा है। और स्पेशली जोजी के कैरेक्टर को, जहाँ पर हम लोग उसके अंदर अलग अलग लेयर फील कर पाते थ्रू आउट द मूवी, और वो लिखना और उसको उतना ही अच्छी तरह से प्ले करना, ये एक अलग लेवल की बात है जो कि आप लोग को इस पर्टिकुलर मूवी में ही देखने को मिलेगा। खैर परफॉर्मेंस के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। उसके अलावा मूवी की सिनेमेटोग्राफी आउटस्टैंडिंग है। स्टार्टिंग में जो ड्रोन्स के शॉट लिए और जो लोकेशन बताया है, यार इतना गजब का लोकेशन मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। और हमारे इंडिया में ये सारी चीज़ें हैं और हमको ही नहीं पता। और सीरियसली जब से मूवीज़ और सीरीज़ में ये ड्रोन्स वाले शॉट बताने लगे ना, वो एक अलग ही आपको फील होता है। अरे उस पर जो इस मूवी का BGM है, यार तारीफ करनी पड़ेगी। इतना हॉन्टेड BGM आपके अंदर एक थ्रिल लेकर आता है, जो उस पर्टिकुलर सीन को मतलब कहाँ का कहाँ पहुँचा रहा है। और के परफॉर्मेंस की बात करें तो फाफा है, यानी कि फहाद फासिल, इनके लिए मेरी डिक्शनरी में कोई भी वर्ड्स नहीं है। यार इतना लेयर्ड परफॉर्मेंस, इतना डार्क कैरेक्टर अपने आप में, मतलब उन्होंने इस कैरेक्टर को लिटरली यहाँ पर प्ले नहीं किया, मतलब समझ लो कि उन्होंने इसको घोल के पी लिया। जब आप स्क्रीन पर देखोगे तो आप ऐसा फील ही नहीं कर पाओगे कि हम फहाद फासिल को देख रहे हैं, हमको लगता है कि हम उस कैरेक्टर जोजी को देख रहे हैं और बस हम उसी को देखते हैं। वे ही एक्सप्रेस इज एंगर, मतलब यार अगर कोई एक लालची बंदा होगा जो मतलब फट्टू है, डरपू है, लेकिन वो अंदर से विलनिश है और वो अपने जो गोल है उसको एम करना चाहता, तो अब वो किस तरह से रिएक्ट करेगा, क्या कुछ चीज़ें उसके अंदर होगी, उन सारी चीज़ों को फहाद फासिल ने स्क्रीन पर जिस तरह से उतारा है, यार ऐसे एक्टर्स बहुत ही रेयरली आपको देखने को मिलेंगे। और ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट टैलेंट्स ऑफ इंडियन सिनेमा, नॉट वन पर्टिकुलर इंडस्ट्री, इट्स ऑल ओवर इंडिया में अगर कुछ टैलेंटेड एक्टर्स हो गए जो अपने इस आर्ट को, अपने इस कला को इतनी अच्छी तरह से पेश कर सकते हैं, तो उनमें से एक है फहाद फासिल। एंड उसके अलावा जिस इंसान ने यहाँ पर जॉमन का रोल प्ले किया, आई थिंक बाबूराज, द वे ही एक्ट इतना रियलिस्टिक लगता है, और जो उनके एक्सप्रेशन थे, जब जिस तरह से वो डायलॉग्स बोल रहे थे, यार मुझे उनका परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। उसके अलावा दूसरे और कैरेक्टर्स हैं जिन्होंने अपने रोल को अच्छी तरह से रियलिस्टिक वे में और काफ़ी बिलीवेबल वे में निभाया, जिससे मतलब आप पूरी तरह से इस मूवी में खो जाते हो। मूवी की एडिटिंग अच्छी तरह से की है, एकदम परफेक्ट है, मतलब कोई भी सीन यहाँ पर ड्रैग नहीं किया है। राइटिंग बहुत अच्छी तरह से की और डायरेक्शन मुझे काफ़ी इम्प्रेसिव लगा। एंड वन ऑफ द बेस्ट मूवीज ऑफ 2021, दैट्स फॉर श्योर। एंड अगेन मलयालम इंडस्ट्री की तरफ से आफ्टर दृश्यम 2, दिस इज़ दी मूवी जो हर एक इंसान देखेगा, लेकिन कुछ कुछ लोगों के मतलब कि शायद ये मूवी नहीं भी हो सकती, क्योंकि मूवी एक डार्क थीम पर बनी है, तो डिपेंड करता है कि सबका अपना अपना टेस्ट होता है। टेल गाइडेंस के लिए तो मैं इतना ही बोलूँगा, ये मूवी आप अपने फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हो, इसमें एडल्ट सीन कुछ भी नहीं है,
रेटिंग्स की बात करें तो भाई 10 out of 10। बस इस वीडियो में इतने। आई होप आपको ये बोरिंग सा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करो, नहीं अच्छा लगा तो आपकी मर्जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शायद आज शाम को पुष्पा का फर्स्ट लुक का रिव्यू करेंगे। देखो अगर आप लोग बोलोगे तो करूँगा, वरना भाड़ बजा। बाय।